अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ. आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत वर्सिटाइल हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं. वेस्ट में जाके बड़ा नाम इन्होंने कमाया है और ऐसे लोगों से मुलाकात करके बड़ा फख्र महसूस होता है कि हमारे यहाँ लोग इतने अच्छे अच्छे और मुख्तलिफ और इतने बड़े काम करें. और इनसे उनको बुलाने का एक मकसद ये भी है कि हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगर लॉट अब निकल रहा है, उनको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो फोकस कर सकते हैं. अगर आर्ट है तो आर्ट के ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो वो यहाँ पर भी और शायद अगर मुल्क से बाहर भी जाना चाहें तो वहां पर अगर परसू करें तो उसकी कैसी शक्ल निकलती है या क्या उससे फायदा होता है, उसकी छोटी सी झलक हम आपको दिखा रहे हैं आर्ट फॉर्म की. ये आप स्क्रीन पे देखिए, इसके बाद वापस आते हैं. और आपको ये आपने देखा इसमें आप जो फिल्म बारियां खास तौर पर वॉल्ट डिज्नी की या वेस्ट की जो मूवीज आप देखते हैं उसमें वेस्ट की क्या आप तो बड़े लोग यहाँ पर भी इस ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत वर्सिटाइल हो गए हैं या बहुत उनका अवेयरनेस हो गई है. एनिमेशन का बड़ा रोल होता है, एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट. काफी सारे इनके डेजिग्नेशन एक एक करके हम बात करेंगे जिंदगी में ये जो कुछ भी कर रहे हैं. मुकीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, म्यूजिक, टीचिंग, ये तमाम चीजों को परसू कर रहे हैं. हम एनिमेशन से इनके साथ स्टार्ट करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया और इंट्रोडक्शन का दिया. हमारी ये खुशनसीबी है, बल्कि ये जो हमने एक छोटा सा पैकेज देखा था जो बड़ा प्यारा लग रहा था और इसमें जो एनिमेशन है ये आज आपने हमें समझाना भी है कि एक्चुअली आप एनिमेशन को क्या लेते हैं, क्या समझते हैं. और साथ साथ आपने ये इस कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि हमारी यंगर लॉट जो अगर आर्ट की तरफ आ रही है उनके पास कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी लाइन्स हैं आर्ट में रहते थे जो वो अपने घर वालों को भी कह सकते हैं कि हाँ इससे मुझे पैसे का शौक है. देखिए एनिमेशन सिर्फ एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने का नाम नहीं है. एनिम वर्ड ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब किसी भी बेजान ऑब्जेक्ट के अंदर जान डालना या उसके अंदर रूह डालना, इसमें आता है. तो जॉनर्स एनिमेशन के बहुत सारे हैं. मुख्तलिफ जब आप एनिमेशन बनाते हैं तो आप ये हमेशा सोचें कि आप अपने अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए. बड़ी हसास तरीके से आप लोगों को देखें, चीज़ों को देखें, उनकी मूवमेंट को देखें. तो एनिमेशन बहुत बड़ी एक फील्ड है, इसके अंदर मुख्तलिफ और छोटी छोटी फील्ड्स हैं. तो इसके बारे में मालूम जरूर करें अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं कि कितनी रिग्रेस है, क्या उसके अंदर क्या आप कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे. तो वो बड़े चीज़ें आती हैं. आपकी बीट क्या है आपको बताना चाहिए एक्चुअली क्या है. अच्छा, इसमें मैं लोगों को भी बताना चाहती हूँ हॉलीवुड मूवीज जिनमें आपकी एनिमेशन और क्या क्या रहा, विजुअल इफेक्ट्स रहे उनमें. एक जो है ये सॉफ्ट बॉडी डायनामिक्स, रिजिड, मुझे थोड़ा सा ये सब अभी टाइम लगेगा, डिफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इन्होंने की हैं. इनकी क्रेडिटें उसमें फाइनल फैंटेसी भी है, डी राइजिंग भी है, जॉर्ज ऑफ द जंगल भी है, फ्लम्बर भी है, और ये आर्मगेडन है. आर्मगेडन. अच्छा जी, ये मूवीज तो है. यहाँ से आपने स्टार्ट किया था पढ़ाई का, आर्ट की शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी. ये सफर कैसा रहा, कैसा गया, कब एजुकेशन कंप्लीट हुई, क्योंकि माशाल्लाह नाउ यू आर पीएचडी इन एनिमेशन कर रहे हैं. तो ये इतना पढ़ाई का भी तो साथ साथ प्रैक्टिस भी, और ये शायद लोगों का ड्रीम हो गया हमने हॉलीवुड जाकर काम करना है, वॉल्ट डिज्नी में काम करना है, ये सारा सफर हम लोग इसके बारे में बताइए. आई थिंक मैं सिर्फ एक ही वर्ड कहूँगा, वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. आप में एक पैशन होना चाहिए और खुद खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं. अगर आप देखें कि वो पैशन नहीं है तो आप दूसरी चीज़ को देखें, कोई और चीज़ें भी देखें. इसमें काफ़ी मेहनत बाद वक्त करनी पड़ जाती है, मगर हुआ ये कि बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं. मैंने अपना सफ़र लाहौर में मैं था, पढ़ाई कर रहा था, फिर उसके बाद अमेरिका से मैंने एनसीए में पढ़ रहा था. कुछ पाकिस्तान के हालात उस वक्त 88-89 में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मुझे बाहर अपनी तालीम और मुकम्मल करनी पड़ी. तो मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, इंटीरियर डिज़ाइन में मैंने वहाँ से बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स मेरा डिज़ाइन में और फिल्म और कंप्यूटर ग्राफिक्स में रहा.
पीएचडी मेरा इस वक्त इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और आपसे भी क्योंकि सुन रही हूँ कि यहाँ एजुकेशन होती है, कुछ वजूहत होती है, चाहे फाइनेंशियल रीजन हो, कुछ भी हो, एंड देन आपको वीजा अटकता है या चीजें आ जाती है, आपको बाहर जाना होता है, आधी पढ़ाई रह जाती है, छूट जाती है, क्या बाहर तालीम को फिर कंटिन्यू करना या डिग्री लेना या उसमें एक्सेल करना ईजी है यहाँ के मुकाबले में? नहीं, बहुत चैलेंजिंग रहता है और मैंने पढ़ाई के साथ साथ जाहिर काम भी किया है, मैंने मास्टर्स किया तो उसके साथ मैं फुल टाइम पढ़ाई भी कर रहा था, काम भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, अभी भी मैं फुल टाइम काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो मगर उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपने वक्त को बहुत ही एफिशिएंटली इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आप कोई वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास ये छोटा सा टाइम है, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करें। तो कभी बेकार ना बैठें, हमेशा अपने आप को इंगेज रखें, अपने जहन को इंगेज रखें, ताकि आप मुख्तलिफ देखें, आप अपने आप को एक स्पंज की तरह होना चाहिए, हमेशा ऑब्जॉर्व करें चीज़ों को और दूसरों को भी सिखाएं, मगर हमेशा रेडी रहें कि आप कोई भी चीज़ सीखें, किसी भी डिसिप्लिन को सीखें। एनिमेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप एक टूल सीखें और फिर आप उसमें मूव करना शुरू करें, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर आप जब आप एक चीज़ को मूव करें तो वो आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें चल रही हैं कि हाँ ये भी ग्रेविटी भी, जिस तरह आपने जिक्र किया डेफॉर्मेशन और रिजिड बॉडी सॉफ्ट बॉडी का, हमारी दुनिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, जब आप देखते हैं कि इंसान का चलना ही इतना ही, जब आप देखते हैं बच्चे को जब वो घुटने घुटने चलते हुए उठता है, उसकी कितनी खूबसूरत उसकी वो सिचुएशन होती है कि वो अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है, ये इतने मुश्किल लम्हात हैं, जब आप इसको बनाना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है उफ ये क्या, ये तो इतना मुश्किल काम है, तब आपके सब चीज़ें सामने आती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक फील्ड में आप हैं, बल्कि बहुत सारी फील्ड्स को आप कवर करते हुए फिर आप उसको एनिमेट करते हैं, ठीक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन सब चीज़ों। वैसे मुझे सुनते तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, और वैसे भी जिस चीज़ की नॉलेज ना हो या आपको सिखाना हो वो और डिफिकल्ट लग रहा होता है, हम इसे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या ख्याल है, हम उनकी आवाज़ सुने, मुकीम साहब की भी एडवाइस ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, वो आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, किसी फील्ड में आ जाए, म्यूजिक के हवाले से जो इस वक्त म्यूजिक है, आपको आपका क्या सेंटिमेंट है या क्या फीडबैक है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि म्यूज़िक क्या है मेरे लिए ख़ास तौर पर, आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ बहुत शोर है, आवाज़ें हैं जिनको आप कैटेगराइज नहीं कर पाते, जब आप इन सब आवाज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं वो फिर म्यूज़िक में बदतर तब्दील हो जाता है, इतना खूबसूरत लगता है कि आप उसमें सोचते हैं कि भाई हाँ ये असल में, ख़ास तौर पर प्रकर्शन में, चूँकि मैं मेरा ताल्लुक ऐसा उससे सीखने पे खाली, मैं समझता हूँ कि शायद पूरा समंदर वहाँ पर है, मैं सिर्फ उसके किनारे पर खड़ा हुआ हूँ, कुछ भी मुझे नहीं आता, मगर उसमें ये है कि मैंने ये सोचा कि जब प्रकर्शन होता है उसमें एक बीट साइकिल होता है, उसमें सम आता है, अगर आप वो करें वहाँ पर, मेरी नज़र में फ्रैक्शन फॉर सेकेंड आपको, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद अब ये आने वाला है। आई थिंक इंसान की अपनी एक एक सोच होती है कि वो चाहता है, उसकी एक हंगर या डिजायर होती है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। हाँ, दिस इज अ क्यूरियोसिटी, वो जो हम शुरू वाले सेगमेंट में कर रहे थे। तो आई थिंक म्यूजिक वो फुलफिल करता है कि आपको वो देता है कि हाँ अब ये बीट साइकिल यहाँ पे खत्म होगा, अब दूसरा तरह से शुरू होगा, आप खुद बखुद अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह आप कलर्स को देखते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, वैसे फैंटेसीज में भी चले जाते हैं ना म्यूजिक को सुन के, तो वो भी आपको अच्छा फील करा देता है। एक हमारे साथ कॉलर है, इससे सराबे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? पाकिस्तान में अब तक इंग्लिश मूवीज पे काम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, असल में पाकिस्तान में इंग्लिश मूवीज से पहले तो खुद अपनी मूवीज पे काम होगा, और आई थिंक कुछ अब शुरू हुआ है, आप देखते हैं कि बड़ी अच्छी मूवीज आनी शुरू हुई है, और आप इंतहाई टैलेंटेड हम लोग हैं। वैसे उन्होंने इंग्लिश मूवीज का हम इसे एनिमेशन में भी ले लेंगे, क्या पाकिस्तान में काम नहीं हुआ एनिमेशन पे?
फुल लेंथ एनिमेशन पर अभी तक काम नहीं हुआ, जिसमें कुछ और कंट्री इंडिया में हो चुका है काम, और उसकी एक वजह शायद एक ये भी हो सकती है, टैलेंट बहुत है, इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं, मगर एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि अभी हम कलेक्टिव अंदाज में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलने की अंदाज जो है उसके अंदर हम जब आएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू होंगी। मतलब उसके अलावा भी अगर फुल लेंथ एनिमेशन और मूवीज पे काम नहीं हुआ, मगर फिर भी फुल लेंथ बहुत अच्छे अच्छे कमर्शियल्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप यकीन जाने जितने चैलेंजिंग जो इन्वायरमेंट में वो लोग काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो रियली अप्रिशिएटेड। आई थिंक जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी का जवाब शायद मैं इसी तरह से दे पाऊँ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को आप लेते हुए कोई अच्छा काम करें, जरूरी नहीं है कि आप मुख्तलिफ एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी को मिला के फिर ही आपका अच्छा काम हो सकता है। आई थिंक अगर आप अपने काम में गुड़ डालें, शुगर डालें, उसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, तो वो भी उसकी भी अपना एक मैार होता है, उसका भी अपना एक खूबसूरती होती है। तो मेरी नज़र में अगर आप मेहनत से काम करते हैं, लेकिन मेहनत एक एनर्जी है, कभी ज़ाया नहीं जाती जी, आप मेहनत से काम करते हैं, लगन और हिम्मत आप में हो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत अच्छा काम यकीनन बन सकता है। वो तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही हैं। मैं आपको इस बात पे बात बताऊं कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था वर्ल्ड डिज्नी में, तो चार पांच लोग हम लोग बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मेरी डेमो रील नहीं देखी, मेरा रेज्यूमे नहीं देखा, कोई काम देखा, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि मैं किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने स्केचेस वगैरह दिखाइए, तो मैं भाग के गया, दोबारा स्केचेस लेके आया, एक जगह पड़े हुए थे, फिर मैंने स्केचेस दिखाने शुरू किए कि ये मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो वो उसके पर डिटेल। आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सोच ज़्यादा है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट टू डू, इट्स अबाउट हाउ टू डू इट। यस, एक कॉलर है हमारे साथ और उसके बाद फिर हमें ब्रेक पर भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप गाना ट्राई करेंगे? गाना हमारे एक बड़ा अलमिया है कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब एक क्रिएटिव आदमी है, क्रिएटिव पर्सन, मतलब इस चीज को बड़ा रियलाइज मतलब चीजों को कर रहा है। सिंगिंग एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ हमने देखा कि हर आदमी कहता मैं सिंगर हूँ, मैं गा सकता हूँ। अच्छा बताइए, ये हमारा एक अलाइनमेंट है, इसका एक पहलू ये भी है, ये एक हर भी गाना चाहता है, भी अभी ऐसी बात भी नहीं है, मैं नहीं गा सकती, मैं फील करके मैं फीलिंग से अपनी जावर है, इस पर कोई वक्त चलता ही रहता है। इतना बड़ा इल्म है म्यूजिक, आप सोच ही सकती हैं, इसमें मेलोडी एक है, फिर उसमें शायरी है, फिर पर्कशन है, आप इतना बड़ा है कि आप जितना भी कूदें गहराई गहराई है, नजर ही नहीं आता कि आप कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैंने देखा है कि म्यूजिक को कैलीग्राफी के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने म्यूजिक की बात कर ली। देखिए, कभी आपने पेन खाया, खत्ताती का जो पेन होता है? नहीं, खत्ताती का पेन नहीं होता। चलो यही पेन ले लें, अगर आप यही पेन ले लें, कितना इसका कितना वेट होगा? बहुत कम, बहुत कम होगा, फील ही नहीं आता। राइट आफ्टर, जैसे ही आप उसको कागज पे रखते हैं, जहाँ पे टच करते हैं, वो दो तीन किलो का बन जाता है। अच्छा, कभी आप नोट करिए, खत्ताती को भी, इसको भी आप मगर इतना इतना भारी तो नहीं बनता है, मगर खत्ताती के अंदर आप होता ही है कि इट्स अबाउट एक आर्ट है लाइन का, जहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं, जहाँ पे बेंड्स हैं, लाइंस के बेंड्स हैं, उसके फोल्ड्स हैं, और वहाँ से खताती जो है इतनी मुश्किल हो जाती है कि, और खतात को ये भी देखना होता है कि कब उसको खत्म करनी है वो खताती। ओके, नो व्हाट आई मीन। तो खताती अमेजिंग आर्ट, बहुत खूबसूरत। मैं जब मोशन पिक्चर्स पे काम करता था, तो मेरे साइड पे एक छोटी सी डेस्क होती थी, जब भी मैं थक जाता था तो मैं अपना पल्ला में दवात उठाता था और बस खताती करता था, इतना रिलैक्सिंग है। अच्छा, आप ये इस तरीके से करते हैं ना, ये कलम भी खास है। अब जो बच्चों को ड्राइंग में सिखाया जाता है, मुझे याद आ गया अपनी ड्राइंग क्लास भी, जिसमें हम पेंसिल से बनाते हैं कि एक बनाया है अलिफ, बनाया हा, और फिर उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ की और बीच में कलर कर दिए। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में तो आपको कलम पकड़ना ही सिखाया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर उसी मुख्तलिफ तख्तियां हैं कि आप उसमें अलिफ को सिर्फ बे को, फिर खताती में मुख्तलिफ स्टाइलाइज फॉर्म्स,
کے خط نستعلیق آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں زیادہ ہے, مگر سلس اور دیوانی خط شکستہ خط کوفی اتنے سارے خط ہیں, اور آپ ان ہر خط کی اتنی خوبصورت خوبصورت اس کی نیچر ہے, اس کی خانہ کعبہ پہ جو خط ہے وہ خط سلس ہے, کتنا خوبصورت خط ہے, اس کے اندر کتنا بیلنس ہے, ایک ایک اس میں وہ بہت دبدبا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہارمنی ہے. یہیں پہ شروع کیا تھا یا یہ بھی جانے کے بعد ہی ہوا؟ یہ جانے کے بعد بھی کرتا رہا, مگر میرے چونکہ والد بھی خطاط ہیں تو اسی لیے وہ ان سے بھی میں نے کچھ سیکھا. سیریسلی کیلیگرافی کی ہم بات کرتے ہیں, خطاطی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ ایک ہی ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ ڈسکشن, دیٹ از خطاطی. لیکن جتنے آپ نے اس میں فارمز بتائے ہیں اور جتنی چیزیں آپ پریکٹس کرتے ہیں, دیٹ از ریئلی امپریسو. یہ اصل میں پورا خاندان, والد میرے تایا اقرا جب آتا تھا کراچی سے تو وہ میرے تایا کا لکھا ہوا ہوتا تھا, تو قرآن وہ لکھتے رہے ہمیشہ, تایا ماموں سبھی لوگ. خطاطی ایک آئی تھنک ڈسپلن سکھاتی ہے آپ کو, ایک آپ کو ویژولی بیلنس کرنا سکھاتی ہے, کاغذ کے اوپر جب آپ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ, اور آپ کو فیوچر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جب آپ جیسے ہی آپ قلم اٹھاتے ہیں کاغذ کے اوپر رکھا نہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اس کو مجھے اینڈ کرنا ہے, تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ اگین سیٹسفائز یور انر سول. ایگزیکٹلی. آپ نے جیسے ایک اچھی بات یہ کہی, وہ جو آپ بتا رہی تھی کہ لائن سے آپ بناتی ہیں, وہ بھی اس میں آئی تھنک وہ بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے ڈرائنگ کلاسز میں, جس کے کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں انگریزی کے ورڈز کے لیٹرز کے بھی ہوتے ہیں, لیکن اردو میں جو ہم یا کلمہ یا بسم اللہ ہی اگر لکھنی ہے تو وہ اسی طریقے سے لکھا, پھر اس میں کلر کلمہ ہی ہے کہ مخمسا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کمپیوٹر اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ وہ خطاطی ہماری اتنی اچھا ایک آرٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اس فن کو بھی ساتھ رکھیں, کیونکہ جو خطاط کر سکتا ہے کمپیوٹرز نہیں کر سکتا. اچھا, اتنا آپ نے خطاطی خطاط اس سب کی بات کی, خط بھی یاد آ گیا مجھے اس میں, کہ خط کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا تھا نا, کہ کمپیوٹر دور میں یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں پیچھے چھوٹ رہی ہیں, وہاں خط کا بھی یہی حال ہے, وہ تو اس کا مزہ ہوتا تھا, وہ ایمیل